ओके, सो नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कंडक्शन वेलोसिटी, द नर्व कंडक्शन वेलोसिटी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है ये जानने के लिए कि कोई सा भी अगर नर्व का डीजनरेशन हो रहा है तो वी गो फॉर द NCV टेस्ट, द नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट। ओके, सो ये एक्सपेरिमेंट को कैरी ऑन करने के लिए, ये प्रॉपर्टी को देखने के लिए वी विल बी डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट एक बार देखेंगे कि हाउ वी परफॉर्म दिस। तो द प्रिंसिपल हियर इज कि द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन ऑफ द नर्व ऑफ द फ्रॉग इज डिटरमाइंड यूजिंग द फॉर्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू लाइक द डिस्टेंस डिवाइड बाय द टाइम। ठीक है, सो द वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय द टाइम, विल बी सीइंग दिस। ओके, सो व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड, सेम वही चीज़ है, बस एक नया चीज़ जो है दैट इज योर स्केल। एक स्केल लेंगे, उसको मेजर करेंगे। ठीक है, सो आई विल एक्सप्लेन यू। सो हियर दे हैव टेकन अ नर्व, अ गैस्ट्रोक्नीमियस मसल एंड द वर्टिब्रा। ठीक है, वो मतलब वर्टिब्रल एंड से है। सो व्हाट दे विल डू कि ये जो वर्टिब्रल एंड ऑफ द नर्व है यहाँ पे, फर्स्ट दे विल गिव अ स्टिमुलस हियर। ओके, एक बार जब यहाँ पे स्टिमुलस दिया, वो स्टिमुलस का एक ग्राफ लेंगे, फिर उसके बाद ये वर्टिब्रल एंड का आपने एक ग्राफ लिया। ओके, सो यू हैव टेकन अ ग्राफ, देन आफ्टर दिस यू विल गिव स्टिमुलस टू द मस्कुलर एंड। ठीक है, मस्कुलर एंड पे आप स्टिमुलस दोगे, फिर से आप उसका यहाँ पे एक ग्राफ लोगे। ठीक है, तो वर्टिब्रल एंड लिया, मस्कुलर एंड लिया, दो ग्राफ्स लिया, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बेसिकली मेजर दिस। ओके, ये जो सियाटिक नर्व है आपको स्केल रख के इसको मेजर करना है कि इसका कितना सेंटीमीटर्स है। दिस कम्स अराउंड 15 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर्स आपने मेजर कर लिया। आफ्टर मेजरिंग दिस आपने वो दोनों ग्राफ को कंपेयर किया, जो वर्टिब्रल एंड था एंड जो मस्कुलर एंड था। ठीक है, दोनों को कंपेरिजन किया, तो हियर द कंपेरिजन लुक्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, L1, L2, ओके, ये दिस इज योर लेटेंट पीरियड, ये कॉन्ट्रैक्शन फेज है, लाइक दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज द रिलैक्सेशन फेज। ठीक है, बट ये जो L1 जो है, दिस इज द लेटेंट पीरियड ऑफ द मस्कुलर एंड। ठीक है, और L2 जो है, दिस इज द लेटेंट पीरियड ऑफ द वर्टिब्रल एंड। ठीक है, तो हम दोनों चीज का देख रहे हैं कि पॉइंट ऑफ ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये वाला जो हिस्सा है, जो लेटेंट पीरियड है, L1 जो है, ये जो लेटेंट पीरियड हियर विच वी कम हियर, ओके, दिस लेटेंट पीरियड 1, दिस इज बेसिकली ऑफ योर मस्कुलर एंड। ठीक है, हियर दिस वन L1 हियर, दिस वन इज योर लेटेंट पीरियड 1, ये मस्कुलर एंड का है, ये कम है, मस्कुलर एंड का कम है लेटेंट पीरियड। ओके, और जो लाइक द वर्टिब्रल एंड है L2, उसका लेटेंट पीरियड ज़्यादा है। ठीक है, इन दिस डायग्राम वी कैन सी L2, हियर द L2 यू कैन सी, हियर द लेटेंट पीरियड इज मोर एज कम्पेयर टू द मस्कुलर एंड। तो वी विल बी डिस्कसिंग कि वाई दिस इज मोर। ठीक है, वॉट इज द मेन रीजन। तो मस्कुलर एंड, ये जो रेड वाला है, दिस इज द मस्कुलर एंड, इसका लेटेंट पीरियड इज लेस, वर्टिब्रल एंड का लेटेंट पीरियड इज मोर। ठीक है, वी विल बी डिस्कसिंग वाई दिस इज अकरिंग। तो इफ़ यू टेक दिस एग्जाम्पल, ओके, सो इफ यू टेक दिस एग्जाम्पल कि आपने जो मस्कुलर एंड, दिस इज द मस्कुलर एंड यहाँ पे, और जो वर्टिब्रल एंड है वो यहाँ पे, तो आपने जब इसका डिस्टेंस देखा तो दिस वॉज कमिंग अराउंड 15 सेंटीमीटर्स। ठीक है, बट यहाँ पे जो मस्कुलर एंड में वी गॉट लेटेंट पीरियड विच वॉज मच मोर शॉर्टर, इसलिए शॉर्टर था क्योंकि जो करंट है, ठीक है, जो स्टिमुलस है, जो सप्लाई करता है, दिस टेक्स टाइम, ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द सियाटिक नर्व है, वो ट्रैवल करने के लिए जो कंडक्शन वेलोसिटी होता है उसको थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना टाइम लगेगा उसको ट्रैवल करने के लिए, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, सो दिस इज द मेन रीजन, जो मस्कुलर एंड था उसमें लेटेंट पीरियड वॉज लेस, और हम लोग को जल्दी मिल गया था, कॉन्ट्रैक्शन पीरियड भी डिक्रीज हो गया था, लेटेंट पीरियड भी डिक्रीज हुआ था। ठीक है, हियर यू कैन सी ना, लेटेंट पीरियड इज डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन पीरियड इज ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, और वर्टिब्रल एंड जो है वो यहाँ पे, अभी वर्टिब्रल एंड को अगर मैं स्टिमुलेट कर रहा हूँ तो करंट पूरा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर जाके लेगा। सो दिस इज द मेन रीजन वाई इन द वर्टिब्रल एंड हियर द लेटेंट पीरियड वॉज इंक्रीज, द कॉन्ट्रैक्शन पीरियड वॉज ऑल्सो इंक्रीज, एंड द रिलैक्सेशन पीरियड वॉज ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी। मेन थिंग इज अबाउट द कंडक्शन, कि कोई भी नर्व का जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उतना कंडक्शन को टाइम लगेगा, इसलिए लेटेंट पीरियड भी ज़्यादा होगा, कॉन्ट्रैक्शन पीरियड भी ज़्यादा जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ कम्स द कंडक्शन वेलोसिटी थ्रू नर्व ऑफ द फ्रॉग। तो इसमें बताया है कि द वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो द कंडक्शन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ नर्व।
डिवाइड बाय द डिफरेंस बिटवीन द टू लेटेंट पीरियड्स. तो L1 माइनस L2 आपको लेना रहता है, ठीक है. एंड नॉर्मली द कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ द सियाटिक नर्व इज 40 to 60 मिलीसेकंड्स, ठीक है. सो दिस इज द कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ द नर्व. दिस डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पीएच होता है, टेम्परेचर होता है, बहुत कुछ होता है. बट इसमें दो चीज़ दिया है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वन इज द डायमीटर ऑफ द नर्व फाइबर, द सेकेंड इज द माइलिनेशन ऑफ द नर्व, ठीक है. तो याद रखना कि जितना नर्व फाइबर का ज़्यादा डायमीटर होगा उतना उसका फास्टर कंडक्शन होगा, उसका कंडक्शन वेलोसिटी और मच मोर फास्टर होगा, ठीक है. तो जितना ज़्यादा उसका डायमीटर होगा उतना ज़्यादा लाइक उसका कंडक्शन विल बी फास्टर. द सेकेंड इज अबाउट द माइलिनेशन. अगर कोई न्यूरॉन अगर अनमाइलिनेटेड है तो यहाँ से उसको इम्पल्स को ट्रैवल करने में टाइम जाएगा. अगर द न्यूरॉन इज माइलिनेटेड तो उसमें कंडक्शन इज फास्टर. दैट इज कॉल्ड एज द साल्टेटरी कंडक्शन. साल्टेटरी कंडक्शन को क्या बोलते हैं, मतलब साल्टेटरी कंडक्शन वही होता है ना कि यहाँ से एक से दूसरे नोड ऑफ रणवीर को वो जंप करते करते जाएगा, ठीक है. तो समवन इज सपोज अगर जो इम्पल्स है अगर दैट इज जंपिंग लाइक दिस तो वो जल्दी पहुँच जाएगा, लेकिन अगर ये ऐसे ट्रैवल करेगा तो उसको टाइम जाएगा. तो साल्टेटरी कंडक्शन जो होता है दैट बिटवीन द टू माइलिन शीट वो नोड ऑफ रणवीर से जंप करते करते जाता है. इसीलिए जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है, ऑलवेज रिमेंबर माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है उसमें कंडक्शन बहुत जल्दी फास्ट होता है, ठीक है. और ब्रेन में तो इतने ज़्यादा माइलिनेशन होते हैं तो कितने फास्ट आपका कंडक्शन होता है उसमें, फाइन. सो देर आर मेनी थिंग्स वी पीपल हैव डिस्कस दिस माइलिनेशन न्यूरॉन है. फिर इसमें बहुत ज़्यादा वाइवास में ये भी पूछता है टाइप ए बी सी नर्व फाइबर्स.